गूगल प्ले बीटा में जैसे तैसे करके आपको हैबिट तो हो गई स्प्लिट बटन की, लेकिन उसमें गन स्विचिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो और में। अगर क्या हो, हमारे गूगल प्ले बीटा वाले फ्री फायर, सिर्फ फ्री फायर पीसी वर्जन को ही ये जूम आउट वाला स्पेसिफिकेशन मिले, आप किसी भी गन के किसी भी स्कोप को आप जूम आउट कर सकते हो, या मैं कहूँ गूगल प्ले बीटा में भी आप कस्टम में क्राफ्टलैंड खेल सकते हो। जब आप किसी को फॉलोइंग देते हो तो उसके बाद आपको आपका एचयूडी काम नहीं करता, आपके कंट्रोल्स काम नहीं करते। आई थिंक मेरे कुछ सब्सक्राइबर को तो पता होगा इन सब चीज की ट्रिक, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप फ्री फायर पीसी में नए हो तो मेरी बेसिक टू एडवांस फ्री फायर पीसी वाली सीरीज आप एक बार देख लेना, वो अलग अलग इम्यूलेटर के लिए बनी हुई है, तो आप एक बार आपके रिलेटेड इम्यूलेटर से चेक कर लेना। उसमें फ्री फायर डे वन से लेकर तो आप जब तक क्रो नहीं बन जाते उसकी पूरी सीरीज वीडियो डल रखी है। ऐसी हेल्पफुल वीडियो और भी आगे, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। सबसे पहले मैं बात करूँ, आप जब मूवमेंट करते हो तब आपको मतलब मूवमेंट तो कर लेते हो लेकिन आपको गन स्विचिंग में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जब भी आप ऐसा मूवमेंट करो क्यू प्लस डब्ल्यू प्रेस करके, यानी जैसे आपकी जो भी शिफ्ट से आप अगर प्रेस करके फॉरवर्ड बटन को प्रेस करते हो तो आपको क्यू से कर लेना है उसको, जाके आपके मूवमेंट में इजीली दिक्कत ना हो। और फिर आपको गन स्विच करनी है तो आप गन स्विच को आपकी जो माउस स्क्रॉल बटन रहती है उससे आपको गन स्विच करना है, तो उससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि दो गन एक साथ स्विच हो जाती है, तो मैं उसका भी आपको सोल्यूशन ला दूंगा आने वाले वीडियो में। लेकिन आप जब रन बटन प्लस फॉरवर्ड बटन से करते हो तो आपको आपके माउस से ही गन स्विच करना है। अब नेक्स्ट ट्रिक, जिस भी आप गन में स्कोप लगता है, चाहे वो AWM हो, वुडपिकर हो या फिर M500 ही क्यों ना, सबका जो स्कोप रहता है उसको जैसे 6x रहता है AWM में, तो आप उसको 1x कर सकते हो, उसको जूम आउट कर सकते हो, और ये सिर्फ फीचर सिर्फ गूगल प्ले बीटा में ही उपलब्ध है। अब आपको इस ट्रिक को कैसे करना है, जैसे समझ लीजिए हमारी वुड पिकर है वो दो नंबर वाली बटन से निकलती है, जो कि यहाँ पर निकल रही है। जैसे दो नंबर वाली बटन से मैंने वुड पिकर निकाली, स्कोप ओपन किया और फिर से मैं दो नंबर वाली बटन प्रेस करूंगा तो मेरा स्कोप आउट हो जाएगा। अब AWM की बात करूँ तो मैं AWM जैसे एक नंबर वाली बटन से निकलती है तो AWM को ओपन करके उसका स्कोप ऑन करके वापस से मैं उसी एक नंबर वाले बटन को प्रेस करूंगा तो जूम आउट हो जाएगा। अब देखो M500 का भी ऐसे, M500 तीन नंबर वाले बटन से निकलती है और मैंने वापस से तीन नंबर वाले बटन प्रेस करी तो इसका स्कोप जूम आउट हो गया। आपको किसी ब्लू स्टेक सिमुलेटर या फिर मोबाइल में नहीं करने को मिलेगा, ये सिर्फ आपको गूगल प्ले बीटा में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, जब भी हम क्राफ्टलैंड खेलने जाते हैं गूगल प्ले बीटा में तो यहाँ पर क्लाइंट वर्जन नॉट मीट बता देता है, क्योंकि ये बीटा वर्जन है फ्री फायर का भी और गूगल प्ले बीटा का। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको किसी भी आपके जो भी फ्रेंड लिस्ट में फ्रेंड रहता है उसको बोल देना कि भाई एक बार तू क्राफ्टलैंड का कस्टम बना के मेरे को ग्रुप दे दे, ठीक है। उसके बाद आप जितने भी लोगों के साथ क्राफ्टलैंड खेलना चाहोगे इजीली खेल सकते हो। और आप थोड़ा मेरा चैनल एक्सप्लोर करो तो उसमें आपको ऐसे वीडियो और भी हेल्पफुल मिलेंगे, तो उसमें मैंने क्राफ्टलैंड का भी वीडियो बना कर रखा है जिसमें आप कैसे क्राफ्टलैंड खेल सकते हो गूगल प्ले बीटा के अंदर, तो वो पूरा वाला वीडियो एक बार लंबा वाला वीडियो पूरा का पूरा एक पूरी डिटेल दे रखी है, तो एक बार जाकर उसको भी जरूर चेक कर लेना। अब जब भी आप गूगल प्ले बीटा में किसी को ट्रांसफर करते हो लॉबी में से, यानी देखो अभी मैंने यहाँ पे ये ले रखा है तो मैं यहाँ पे किसी को भी ट्रांसफर करूंगा तो मेरे कंट्रोल काम नहीं करेंगे, यानी मैं मेरे किसी भी स्क्वाड के बंदे को अपना टीममेट दूंगा तो वो काम नहीं करेगा, कंट्रोल्स काम नहीं करेगा उसका, WASD के अलावा और कुछ भी बटन काम नहीं करेगा। तो इसका सोल्यूशन, जब भी आप आपके दोस्तों को ग्रुप दो तो आपको मैप खोल लेना, जैसा देखो मैंने मैप ओपन करके रखा है तो मैंने मैप ओपन कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे V वाली बटन प्रेस करके मैंने किसी भी ऊपर मेरा ट्रांसफर कर दिया, यानी जो हमारा ट्रांसफर करते वो मैंने इनके ऊपर फॉलोइंग दे दिया। और इसके बाद मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा तो मेरा कंट्रोल वर्किंग करेगा, देख लो अभी मैं इसको फास्ट स्पीड में कर देता हूँ तो मेरा पूरा का पूरा 101% वर्किंग करता है। जो मैंने आज ट्रिक बताई ये तो जनरल ट्रिक्स थी, लेकिन मैं आपको एक और ऐसा गूगल प्ले बीटा में जिसमें स्प्रिंट बटन नहीं आने वाली है कुछ वैसे भी ट्रिक आने वाली है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना क्योंकि मैं भी उस चीज को ट्राई कर रहा हूँ। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतने, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।